नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के रामपुर उत्तर प्रदेश में शहीद किसानों के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना देने पर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के हरिद्वार में आज दिए उस बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया पर जबरदस्त पलटवार किया है। आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन से भाजपा नेताओं व मोदी सरकार के मंत्रियों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में लोगों को हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख और जात पात के आधार पर बांटने वाले भाजपा आज किसान आंदोलन से विचलित होकर मानसिक संतुलन खो रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन ने सबसे बड़ा काम यह किया कि भाजपा को बेनकाब करते हुए यह बात पूरे देश में साबित कर दी कि भाजपा अपने हर विरोधी को देशद्रोही व पाकिस्तान परस्त करार देती है, चाहे वो CAA NRC आंदोलन हो या किसान आंदोलनकारी। श्री धस्माना ने कहा कि BJP व RSS के लोग लाशों पर राजनीति करते ही जो पुलवामा के शहीदों व देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सारी चुनावी जनसभाओं में पुलवामा के शहीदों के नाम पर खुलेआम वोट की अपील की। यह पूरा देश जानता है और इसको लाशों पर राजनीति कहा जाता है। यह बात शाहनवाज हुसैन जी को समझ आनी चाहिए। लेकर के गया वो कौन व्यक्ति था? क्यों भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी BJP की सरकार खामोश रही? आज पूरा देश जान चुका है कि लाशों पे राजनीति कौन करता है। अगर कोई किसान मरा है और उस किसान शहीद हुआ है, उस किसान के घर में अगर लोगों को सांत्वना देने अगर प्रियंका गांधी जा रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है शाहनवाज हुसैन साहब के? आज पूरे देश के किसान को जिस प्रकार से उत्पीड़न आप कर रहे हो, जिस प्रकार से किसानों के साथ बर्ताव कर रहे हो, जिस प्रकार से देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे हो, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है क्या? BJP स्वयं अपराधी है, स्वयं लाशों पे राजनीति करती है और आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी पे और कांग्रेस पे। मैं समझता हूँ कि इनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए।